वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। बेटा आज हम लोग जो है ना एक ऐसे सेंटेंस को ले रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है। उसके लिए हमने कहा कि कुछ सेंटेंस है, आप कुछ भी चाहो बोलना बोलो, आप जो मर्जी करे करना करो, जो लिखना चाहते हो लिखो, बसरते आपके पास कुछ सब्जेक्ट हो, कुछ सेंटेंस हो। कुछ ऐसे सेंटेंस है ना जिसको समझ में नहीं आता सर कैसे बोले, वो आवारा टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। जैसे कुछ भी बोलना चाहते हो, तुमको बोलना है घर में सांप है, तुमको बोलना हम लोगों में एकता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो सेंटेंस नहीं लिखवा। दो लड़के थे, चार लड़के हैं, वहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पानी ही पानी है, विद्यार्थी ही विद्यार्थी हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आवारा है। एक तो पढ़ते राम आम खाता है, तो राम तो पता है कि राम ही आम खा रहा है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना, बोलना है पानी ही पानी है, इस कमरे में लड़के ही लड़के हैं, वहां तो धूल ही धूल पड़ा है, आप कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है, यहां कोई नहीं है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे हम लोग नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, उसके लिए बना है देयर। इस जितने भी आवारा टाइप के है ना सबको बांधने का काम देयर करता है। यानी कि देयर का यूज हम कैसे करेंगे बाबू, इसको हम जानने का प्रयास करें। देयर के लिए खास स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान रखिए कि देयर के बाद क्या क्या हो सकता है। तो देयर के बाद आ सकता है इज, आ सकता है आर, देयर के साथ आ सकता है वाज, देयर के साथ आ सकता है वर, देयर के साथ आ सकता है विल बी, देयर के साथ आ सकता है कैन बी, देयर के साथ आ सकता है मे बी, देयर का आ सकता है शुड बी, शुड बी, देयर का आ सकता है शुड हैव बीन, वुड हैव बीन। देयर के साथ वी वन भी आ सकता है, वी टू भी आ सकता है, वी फाइव भी आ सकता है। देयर के साथ कुछ भी आ सकता है, इसके बाद आप आर्टिकल ए एन लगाना चाहो तो लगाओ, ना मर्जी है ना लगाओ, मर्जी से नहीं। अगर नाउन काउंटेबल है तो एन लगाओ, अनकाउंटेबल है तो सीधा नाउन लिख दो, नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग कर दो। अब यहां जानना है कुछ भी सेंटेंस, हजारों सेंटेंस बोलना है। जैसे हमने कहा कि घर में सांप है, अब घर में सांप है तुमको बोलना हो। अब देखो जहां भी तुमको मिल जाए कनेक्टर्स, कनेक्टर्स मिल जाए तो हमने एक वीडियो बनाया है जिस पर आपने 40 लाख से अधिक व्यूज दिए हैं आज डेट में। तो आप जो मे मिल जाए उसको हटा दो, बच क्या गया, सांप है। अब सांप है कैसा है, आवारा है, पता नहीं चल पाता किसका कौन है सब्जेक्ट, कौन है डूअर, कहां सांप आया। तो सांप है तो देयर इज, अब सांप है तो आ स्नेक, कहां स्नेक है जी, घर में, तो अब मे बच गया, इसको आगे जोड़ दो तो इन द हाउस, देयर इज स्नैक इन द हाउस, देयर इज नॉक इन हाउस, द चाहो तो लगाओ या नहीं तो काम चल जाएगा, तो देयर इज स्नैक इन हाउस या देयर इज स्नैक इन द हाउस। अब इस तरह के हजारों सेंटेंस, इसको आप यहां पे लिख लें, और लिख करके ऐसे ही आपको कई सेंटेंस दे रहा हूं ताकि आप उसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देख करके कुछ सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, फटाफट करने का प्रयास करते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस में दिए आपको, अब यहां पे सेंटेंसेस दिए, अब देखो दो लड़के हैं, बहुत ही सिंपल है, बड़े बड़े तूफान भी बनेंगे बट छोटे बनाने का प्रयास करो। हमने कहा दो लड़के हैं, अब दो लड़के हैं तो हमने क्या बोला बेटा, दो लड़के, पता नहीं चल रहा इसमें कौन सा सब्जेक्ट, तो जहां पे पता ना चले उसमें देयर का मदद लो, क्योंकि देयर उन सारे जो रोड छाप सेंटेंस है ना उनको मेन बनाने का प्रयास करता है। दो लड़के हैं तो देयर से बनाएंगे, देयर अब हैं तो दो हैं तो प्लूरल, तो देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज, यहां पानी है, अब यहां पानी है, कुछ लोग बोल देंगे हेयर इज वाटर, तो हेयर इज वाटर नहीं, देयर देयर इज वाटर, अब बोलना है यहां, तो देयर इज वाटर हेयर, यहां पानी है तो यहां पानी है, देयर इज वाटर हेयर, अब बोलो सर हेयर इज वाटर गलत होगा क्या, तो चलेगा बोलचाल में बट लॉजिकल ये है जैसा हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है कि देयर प्लस इज आर वाज वर, इस तरह से प्रयोग आपको करना है। यहां शांति रहेगी, अब रहेगी ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहां शांति रहेगी देयर, अब बताया था देयर विल भी आ सकता है, तो देयर विल भी शांति क्या भाई, यहां देयर विल बी पीस हेयर, यहां शांति रहेगी, देयर विल बी पीस हेयर, देखो यहां दो कुर्सी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए शुड का प्रयोग, तो यहां दो कुर्सी होनी चाहिए, देख रहे हो, तो यहां दो कुर्सी होनी चाहिए कि देयर चाहिए के लिए क्या लगा दे बेटा शुड,
होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, तो देयर शुड बी टू चेयर्स, तो देयर शुड बी टू चेयर्स कहां भाई, यहां, तो देयर शुड बी टू चेयर्स हियर। अगले सप्ताह एक सभा है, तो अगले सप्ताह एक सभा है। अब यहां ध्यान देना है, हमेशा ध्यान दो कि एक सभा है, यहां हमने क्या क्या कुर्सी होनी चाहिए, यहां का पानी है, हमने क्या लड़के हैं, तब ना दो लड़के, तो जब भी आपको सब्जेक्ट ना मिले उस केस में हम देयर की मदद लेते हैं। लड़के हैं तो लड़के हैं, बॉयज कितने हैं, देयर आर टू बॉयज, यहां पानी है, पानी है हो गया तुम्हारा मेन, तो पानी है तो देयर इज वाटर कहां, यहां, यहां शांति रहेगी, शांति रहेगी, देयर विल बी पीस यहां, हेयर, हमने कहा दो कुर्सी होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, देयर शुड बी कितने कुर्सी, टू चेयर्स कहां, हेयर, एच ई आर ई, ठीक है। हमने कहा अगले सप्ताह एक सभा है, तो अगले सप्ताह एक सभा है यानी कि अब यहां देखो एक सभा है, तो देयर इज अ मीटिंग कब भाई, तो देयर इज मीटिंग एक सभा है अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, तो अगले सप्ताह एक सभा है। किसी राज्य में एक राजा रहता था, तो किसी राज्य में राजा था, तो हम देखो राजा रहता था, अब मिल गया मैं, तो मैं हो गया कनेक्टर्स, तो कनेक्टर्स का अंग्रेजी हमेशा हटा देना है, अब बोले एक राजा था, तो देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था कहां भाई, किसी राज्य में, तो किसी राज्य में, इन अ सर्टेन स्टेट या सर्टेन रिजाइम है ना, तो किसी राज्य में देयर लिव्ड अ किंग इन अ सर्टेन स्टेट, आप कह सकते हो देयर लिव्ड अ किंग इन अ कंट्री है ना, तो देयर लिव्ड अ किंग इन अ कंट्री, देयर लिव्ड अ किंग इन अ सर्टेन स्टेट, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसके साथ कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। अब एक कंसेप्ट देर का हम और देखते हैं बेटा, एक कंसेप्ट यह कहता है कि जैसे मान लो कोई प्रोनाउन हो, अब प्रोनाउन का मतलब ध्यान देना, यहां पे प्रोनाउन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर टू कहता है कि जैसे मान लो कि एक देयर आ गया, तो देयर के साथ और क्या हो सकता है वो हम जानने का प्रयास करें। देयर के साथ आपने लगाया इज, वाज लगाया, इसे जो पहले दिया था स्ट्रक्चर, इसके बाद आप ध्यान देना कि समबडी समथिंग नोबडी एनीथिंग एवरीबडी एवरीथिंग, यानी कह सकते हैं आप कि इन डेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है, प्लस आप लगा दो अदर वर्ड, लेकिन कभी भी देयर के साथ अगर आपने कोई पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग आप नहीं कह सकते, जैसे ही सी इट वी आई, दे के साथ देयर का प्रयोग नहीं होता, इन सारे शब्दों के साथ देयर का प्रयोग नहीं होता। जैसे आपको बोलना है पे क्या है वो समझना, जैसे सेंटेंस हमने कहा कि देयर के साथ इज लगाओ, वाज लगाओ, विल भी लगाओ, शैल भी, कुछ भी लगाओ, अब यहां सेंटेंस के साथ समबडी समथिंग नथिंग आप लगा सकते हो, लेकिन इन सारे शब्दों के साथ देयर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। अब मान लो कुछ एग्जाम्पल हम चेक करते हैं आपके साथ कर करके, इसको मैं लिखा छोड़ देता हूं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा कोई है, कोई है, अब कोई का अंग्रेजी पता है कि संबंध होता है, संबडी होता है, अब कोई है पता नहीं चल रहा कैसे बनाए, तो इसके लिए देयर बनाइए ना। अब कोई क्या है, प्रोनाउन है, इनडेफिनिट है, तो देयर इज, अब कोई का क्या कर सकते हो, देयर इज संबंध, कोई है, आपको बोलना है देयर इज संबडी, देयर इज संबडी, आपको बोलना है कुछ है, कुछ है, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग, कुछ है, आपको बोलना है वहां कुछ था, वहां कुछ था, देयर वॉज समथिंग, तो वहां कुछ था, देयर वॉज समथिंग, इस तरह से सेंटेंसेज आप देख सकते हो। लेकिन अगर मुझे बोलना है, एक सेंटेंस बोलना है कि वह था,
वह था, और हमने बोल दिया कि देयर वाज ही, तो गलत हुआ। वह था, वह है, हमने बोल दिया देयर इज ही, तो ये गलत हो जाएगा। तो सर सही कैसे होगा? तो ये बात ध्यान देना, वह था या वह है, इसका अंग्रेजी दो तस्मात, तो या तो कह सकते हो ही वाज, या तो कह सकते हो इट वाज ही, यह भी सही यह भी सही। वह है का दो बन सकता है अंग्रेजी, या तो बोल, ये तो गलत हो ही गया, या तो बोल सकते हो इट इज ही, या तो बोल सकते हो ही इज, यह भी सही यह भी सही, ये आपको ध्यान देना बेटा। तो यहां पे प्रोनाउन का कंसेप्ट नंबर टू था, इसको हम ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और लेते हैं फटाफट जल्दी से। आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां मैं बात कर रहा हूं देयर का प्रयोग, और देयर का लगभग मैक्सिमम यूज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे हम बोलते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है, जहां जहां शांति है वहां सुरक्षा है, जहां विद्या है वहां शिक्षा है, जहां आस है वही प्रयास है, जहां मेहनत है वही सफलता है, तो जहां पानी है वहां जीवन है, तो जहां वहां का बोध करते हैं। जैसे मैं संदेश लिया, समझना बेटा गौर से, हमने बोला चाह है, हमने बोला राह है, ठीक है, हमने बोला चाह है, बोलो इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं ना, तो सब्जेक्ट नहीं है तो देर से बनाओ। देयर इज अ विल, चाह है, राह है, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। अब यहां जोड़ दो, जहां चाह है, जहां चाह है वहां राह है, तो जहां चाह है वहां राह है, तो जहां करने से क्या होता है, वेयर, वेयर। अब वेयर के साथ इसको जोड़ देते हैं, तो वेयर देयर इज अ विल, अब वहां के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा, तो वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। देख लिया, ये फ्रेज भी बन गया, अब से याद भी हो गया। तो जहां चाह है तो अपने मन चुनना, जहां जहां का वेयर, तो वेयर जहां चाह है, तो चाह है वेयर देयर इज अ विल, जहां जो दिया वेयर, तो वेयर देयर इज अ विल, राह है देयर इज अ वे। ठीक है बच्चे, आगे देखो एग्जाम्पल और ध्यान दो। हमने बोला पानी है, पानी है, हमने बोला जीवन है, तो पानी है देयर इज वाटर, हम लोग जीवन है देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ, हम लोग पानी है, जहां पानी है, जहां पानी है वहां जीवन है, तो जहां पानी है जोड़ दो, वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, राइट। कितना आसान है, और देखो धुआं है, धुआं है आग है, तो धुआं है देयर इज अ स्मोक, आग है देयर इज फायर, आग है जहां धुआं है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यहां जोड़ दिया वहां, वहां के लगा दिया कॉमा, तो जहां धुआं है वहां आग है। इस तरह से आप चाहो तो हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो, आप काम कर सकते हो। इस तरह से जितने सेंटेंस मर्जी करे आप बोलो, आप लिखो, आप काम करो। इस तरह से बच्चे उनको सख्त आवश्यकता है। जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती वो सेंटेंस रट्टा मारते हैं कि जहां धुआं है वहां आग है, जहां शांति है वहां सुरक्षा है। तो जितने सेंटेंस हो आप उस सेंटेंस को बोलो, आप लिखो, जहां मेहनत है वहीं सफलता है। तो जहां मेहनत है वेयर देयर इज लेबर, वहां सफलता है देयर इज सक्सेस। इस तरह से आप बेहतर पढ़ सकते हो, बेहतर कर सकते हो। इस वीडियो को पूरे भारत में क्रांति की तरह फैला दीजिए कि हर एक बच्चा इसे लाभ ले सके। अगर आप सिस्टमेटिक क्लास चाहते हो तो आप YouTube पे जाकर के नहीं पढ़ करके, आप चाहो तो गूगल पर जाकर के www.dsl.com डाल करके एक सिस्टमेटिक क्लास ले सकते हो। आप दिल्ली दूर नहीं रहा, आप दिल्ली भी आ सकते हो बेहतरीन क्लास लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।